नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। जोशियों की भागल में हुई भगवान परशुराम की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा ने की शिरकत। भाजपा सांसद सीपी जोशी और मावली विधायक धर्मनारायण जोशी भी रहे मौजूद। इधर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में गोगुंदा में किया प्रदर्शन। मूर्ति तोड़ने वाले को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर एसडीएम को दिया ज्ञापन। 24 फरवरी को उदयपुर जिले के गोगुंदा ब्लॉक के रावलिया खुर्द गांव की जोशियों की भागड़ में भगवान परशुराम की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। परशुराम प्रबंध एवं विकास समिति द्वारा आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा ने मूर्ति स्थापना की। कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, मावली विधायक धर्मनारायण जोशी, पूर्व मंत्री डॉक्टर मंगीलाल गरासिया, देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला, परशुराम प्रबंध एवं विकास समिति के अध्यक्ष बंसीलाल जोशी, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी, विप्र सेना के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा, राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष मदन पंडित, के शर्मा, पूर्व सरपंच भंवर सिंह, मजावड़ी के पूर्व सरपंच कपिल देव पालीवाल, जसवंतगढ़ के पूर्व सरपंच नारायण पालीवाल, देवेंद्र पालीवाल वे एडवोकेट शिवलाल जोशी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस दौरान विप्र सेना के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि यहां 25 फीट ऊंचा फरसा भी लगाया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश जोशी ने संबोधित किया। हम कानून व्यवस्था की जो कमी रह गई उसको पूरा कराने के लिए मैं सरकार का प्रतिनिधि बनके आपके बीच में आया हूँ, और जिन लोगों ने इसका ऐसा बहुत गलत चेष्टा किया हमारे भगवान का अपमान करके, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए आपका प्रतिनिधि हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि भगवान परशुराम जी का जिसने भी अपमान किया वो जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद सीपी जोशी ने इशारा किया कि हम किसी से कम नहीं। आज खुशी है कि आप लोगों की ताकत ने 3 दिन के अंदर वापस प्रतिमा स्थापित करा दी। ये आप लोगों की ताकत है। और ये दुख भी है कि इस प्रकार के समाज कंटक समाज को उद्वेलित करने का काम करे, जो समाज देश और दुनिया में सनातन संस्कृति का वाहक रहा है, जो समाज हमेशा से शिक्षा और संस्कारों से ओतप्रोत रहा है। हम कहना चाहते हैं, हम संस्कार सब जानते हैं, सब तरह के संस्कार करना आता है, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि शास्त्रों के ज्ञान के साथ शस्त्र का ज्ञान भी सब रखते हैं। यह भी ध्यान रखें कि हम मुंडन संस्कार और पाणिग्रह संस्कार कराना आता है तो हमें गरुड़ प्राण का वाचन करना भी आता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। इस धार्मिक स्थानों की सुरक्षा करना हमारा धर्म है। अभी मुझे हमारे विप्र सेना के साथी बता रहे थे कि आप घोषणा कर दीजिए कि मूर्ति तो लग गई और 21 फीट का कोई फरसा भी लगाने का काम भी करेंगे। मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने कहा कि भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का नहीं बल्कि एक वंश का नाश किया था। भगवान परशुराम जी के लिए अनेक बातें गलत फैलाई गई है, अनेक बातें। लाल सिंह जी झाला बैठे हैं या भंवर सिंह जी सरपंच साहब भी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि क्षत्रियों का नाश किया। इतिहास में कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। क्यों क्षत्रियों का नाश करते हैं लाल सिंह जी झाला साहब? भगवान परशुराम जी की माँ रेणुका जी क्षत्रिय थी, तो आप और हम तो मामा बुआ के भाई हुए भाई। रेणुका जी क्षत्रिय थी, राजपूत कन्या थी वो, भगवान परशुराम जी की माँ। इसलिए कोई ये कहे, क्योंकि फिर भगवान परशुराम जी ने कहा उन्होंने क्षत्रिय का नाश किया। हाँ, नाश किया था। किसका नाश किया था? एक वंश था, है वंश, वो वंश, वो राजा वहां से निकल रहा था। इनके पिताजी जमदग्नी के आश्रम में थे और वहां से राजा की सेना थी, सेना भूखी थी। आश्रम में गए राजा और कहा कि मेरी सेना को रोटी खिला दी, भूखी है सेना। वहां पर काम धेनु थी, जमदग्नी जी ने काम धेनु से निवेदन किया, पूरी सेना को भोजन करवाया। उस राजा के मन में ऐसा आ गया कि गाय गौ माता में ले जाता हूँ काम धेनु। तो जमदग्नी जी ने कहा कि गौ माता मर जाएगी आप ले जाएंगे तो। अंत में वो नहीं माना, जबरदस्ती करने लगा। भगवान परशुराम जी ने उस राजा की गर्दन उड़ा दी वहां, और वहीं से उन्होंने कहा तुम्हारे वंश का नाश कर दूंगा। वो है वंश था केवल। मैं 10 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ यहाँ के विधायक का जो प्रताप जी है,
उल्लेखनीय है कि 20 फरवरी की रात को अज्ञात लोगों ने जोशियों की भागल में स्थित भगवान परशुराम की मूर्ति को तोड़ दिया था। उसके बाद परशुराम प्रबंध एवं विकास समिति और विप्र सेना द्वारा प्रदर्शन किए गए थे, जिन्हें शांत करते हुए प्रशासन ने जन सहयोग से मूर्ति लगवाने का आश्वासन दिया था। गुरुवार को प्रशासन द्वारा जन सहयोग से मुहैया करवाए गए 1,00,000 रुपए से नई मूर्ति लाई गई और शुक्रवार को प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जोशियों की भागल में भाजपा और कांग्रेस के नेता मिलकर भगवान परशुराम की नई मूर्ति की स्थापना कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर गोगुंदा में भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अशोक जोशी के आह्वान पर भाजपा कार्यकर्ता महाराणा प्रताप सर्किल पर आंदोलन के लिए एकत्र हो रहे थे। दोपहर 12:30 बजे भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा यहाँ पहुँचे। उनके नेतृत्व में मूर्ति तोड़ने वालों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। यहाँ हिमांशु शर्मा ने प्रदर्शन को संबोधित किया कि हमारे आराध्य भगवान उनकी मूर्ति को तोड़ दिया जाए और मूर्ति को तोड़ने वाला नहीं पकड़ा जाता है, प्रशासन यहाँ पर आकर मौन खड़ा हो जाता है। प्रमोद शामर ने भी सरकार को कोसा। गहलोत साहब, इन गुंडों बेईमानों को मत बना दो, और जनता जब उकार पड़ती है और ऐसी सोने की धरती जब उकार पड़ती है तो राजधानी के तख्ते ताऊ उसको उलट के बदल के रख देती है। यहाँ एडवोकेट राम कृपा शर्मा, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ललित सिंह सिसोदिया, एडवोकेट कुलदीप शर्मा व मंडल अध्यक्ष अशोक पालीवाल सहित कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। थोड़ी देर बाद यहाँ से सभी रैली के रूप में नारे लगाते हुए एसडीएम कार्यालय में पहुँचे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एडिशनल एसपी मंजीत सिंह व डिप्टी भूपेंद्र कुमार के नेतृत्व में सीआई दलपत सिंह, गोगुंदा थानाधिकारी अनिल कुमार, बेकरिया थानाधिकारी मुकेश कुमार, सायरा थानाधिकारी नाथू सिंह, सुखेर थानाधिकारी संजय कुमार, सवीना थानाधिकारी योगेंद्र कुमार व्यास व टीडी थानाधिकारी कमलेंद्र सिंह सोलंकी सहित पुलिस लाइन से बुलाया गया जाब्ता तैनात रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सैकड़ों पुलिस कर्मी यहाँ मुस्तैद थे। आगे आगे पुलिस अधिकारी वे पीछे पीछे भाजयुमो के कार्यकर्ता चल रहे थे। आगे एसडीएम कार्यालय में जाने की सीढ़ियों पर डिप्टी भूपेंद्र कुमार अन्य अधिकारियों के साथ मौजूद थे। उन्होंने भीड़ को रोकना चाहा, लेकिन भाजयुमो के कार्यकर्ताओं के सामने वे पीछे हटते गए और अंततः निर्वाचन रूम के बाहर तक पहुँच गए। भीड़ इस कमरे में जाना चाह रही थी। कई युवा चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि एसडीएम का कार्यालय पहली मंजिल पर है, लेकिन भीड़ में किसी की भी आवाज कोई सुन नहीं पा रहा था। पुलिस अधिकारी भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, लेकिन आवाजें इतनी थी कि कोई सुन नहीं पा रहा था। यहां करीब 5 मिनट तक कशमकश हुई। अंततः एसडीएम हनुमान सिंह राठौर खुद अपने कार्यालय से निकलकर सीढ़ियों से नीचे आए। यहां एडिशनल एसपी मंजीत सिंह व डिप्टी भूपेंद्र व सीआई दलपत सिंह सहित पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को नियंत्रित किया। इस दौरान हल्की धक्का मुक्की भी हुई। भाजयुमो के पदाधिकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर मूर्ति तोड़ने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की और चेतावनी दी कि जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक भाजयुमो द्वारा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान पूर्व जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल, पूर्व देहात जिलाध्यक्ष भंवर सिंह पंवार, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष किशन मेघवाल, सायरा मंडल अध्यक्ष दिनेश सेन, योगेंद्र सिंह राव, किशन सिंह जाला, शैतान सिंह चुंडावत व एकलिंग मेघवाल सहित भाजपा के कई लोग मौजूद थे। गोगुंदा में भगवान परशुराम जो हमारे आराध्य हैं उनकी मूर्ति को तोड़ा जाता है। पार्टी के कार्यकर्ता और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रशासन से मिलते हैं और इस बात का आग्रह करते हैं कि एक नियत समय के अंदर अति शीघ्र जिसने मूर्ति को तोड़ा है उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए, उसके पीछे जो षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को गिरफ्तार किया जाए। परंतु एक लंबा समय बीतने के बाद भी प्रशासन के द्वारा अभियुक्तों को ना पकड़ पाना इस बात का द्योतक है कि राजस्थान के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो सही नहीं चल रही है। राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल है और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत उस बात का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो राजस्थान में जिस प्रकार की कानून व्यवस्था चल रही है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज उदयपुर शहर और देहात के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और अपना ज्ञापन सौंपकर इस बात की मांग की कि हमारे आराध्य उनकी मूर्ति को तोड़ने वाले जो भी अभियुक्त हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, अन्यथा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अपना आंदोलन जो है वो जारी रखेंगे।
शाम को परशुराम प्रबंध एवं विकास समिति के पदाधिकारियों ने गहुंगुंदा पहुंचकर एसडीएम हनुमान सिंह राठौड़ को मेवाड़ी पगड़ी व उपरना उड़ाकर धन्यवाद ज्ञापित किया। उधर रावलिया खुर्द से उदयपुर लौटते समय राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा गोगुंदा उप सरपंच लाल कृष्ण सोनी के कार्यालय पर पहुंचे। यहां पूर्व मंत्री डॉक्टर मंगेलाल गराशिया, पूर्व देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह ज्याला, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राम सिंह चदाना, ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष मदन पंडित, गोगुंदा के पूर्व सरपंच करण सिंह ज्याला व उप सरपंच लाल कृष्ण सोनी सहित कांग्रेस जनों ने शर्मा का मेवाड़ी पगड़ी व उपरना उड़ाकर स्वागत किया। यहां जलपान व अल्पाहार के साथ महेश शर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा की और संगठन को मजबूत बनाने और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को विजयी दिलवाने की बात कही।